दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में और बल्कि मैं कहूँ कि देश भर के गवर्नमेंट स्कूल्स में एक बहुत बड़ी समस्या जो है उसका एक सॉल्यूशन लेके, शायद उसके सॉल्यूशन को लेके एक सबसे बड़ा ऐलान हम लोग कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा संकल्प है पढ़ाई को लेके, पढ़ाई के स्तर को लेके हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं। हमने अभी महीने भर पहले अपने स्कूल्स की खुद स्टडी कराई थी जिसमें ये निकल के आया था कि 74% बच्चों को लोअर क्लासेस में, प्राइमरी मिडिल क्लासेस में और सिक्स क्लास में खासतौर से अपनी बुक्स, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़नी नहीं आती। 46% बच्चे तो ऐसे थे जो क्लास टू तक की बुक्स नहीं पढ़ पा रहे थे, क्लास सिक्स में अपने से चार क्लास नीचे की बुक्स नहीं पढ़ पा रहे थे। इस बारे में ये तो हमारी स्टडी थी, ये कोई सर्वे नहीं था, सैंपल सर्वे नहीं था। एक एक बच्चे को हमने मैपिंग कराई थी, उसके बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे थे। लगभग यही बात हर साल जनवरी में एसर के सर्वे में भी आती है, जो एसर की तरफ एसर सर्वे आता है, एसर रिपोर्ट आती है। जब मैं जर्नलिस्ट था तब भी मैं खुद पढ़ता था एसर रिपोर्ट, मुझे लगता था कि ये क्या समस्या है, इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा चारों तरफ से, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। हर साल रिपोर्ट आती है, हर साल सर्वे होते हैं, हर साल कह दिया जाता है इतने बच्चों को पढ़ने नहीं आता, लेकिन इसका कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन कोई सामने नहीं आया, इसका कोई प्लान कॉन्क्रीट सामने नहीं आया अभी तक। आज हम उसका एक सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, आज हम इसके सॉल्यूशन की शुरुआत कर रहे हैं। हमने, जैसा मैंने कहा कि हमने पूरी स्टडी कराई, हमने पूरी स्थिति का आकलन किया कि क्यों हो रहा है ये, कहाँ क्या कमी है, एटीट्यूड में क्या कमी है, हमारे एम्बियंस में क्या कमी है। टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरे घंटे जितने भी पीरियड में टीचर रहता है पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ बच्चों को पहुंचता है, बाकी बच्चों को वो कंटेंट ही नहीं पहुंच पा रहा है, तो टीचर की मेहनत भी बेकार जा रही है। तो वो क्या अप्रोच में कमी है उसको स्टडी किया हमने, और उसके बाद हमने ये तय किया कि अब इसको भी एक चुनौती के रूप में लेना है। एक चुनौती हमने नाइन्थ क्लास के बारे में आपके सामने रखी थी, एक चुनौती हमने ये रखी है अपने लिए, और ये अपने लिए चुनौती है कि 14 नवंबर तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर एक बच्चे को हम कम से कम रीडिंग लेवल तक लेके आ जाएंगे। ये एक अपने लिए हमने चुनौती रखी है। अगर क्वालिटी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये बहुत छोटी बात लगती है, क्योंकि एक तरफ दुनिया में कंप्यूटर एजुकेशन, स्मार्ट एजुकेशन की बात हो रही है, साइंटिफिक एजुकेशन की बात हो रही है, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम पढ़ना सिखाएंगे बच्चों को। पर लेट्स एक्सेप्ट द रियलिटी, हमें अपनी सच्चाई भी स्वीकार करनी चाहिए। जब तक हम अपनी सच्चाई स्वीकार करके उस पर काम नहीं करना शुरू करेंगे, तो दुनिया भर में हम एजुकेशन क्वालिटी की बात करते रहें उसका कोई फ़ायदा नहीं है ढोल बजाने का। बड़े बड़े सिलेबस बना लें, बड़ी बड़ी फैंसी बुक्स बना लें, लेकिन आपके 74% बच्चे अगर पढ़ नहीं पा रहे उन किताबों को, तो उन फैंसी किताबों का क्या करोगे, उस सिलेबस का क्या करोगे। तो इसलिए मैंने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में बहुत छोटी चीज़ लग सकती है कि आप पढ़ने की बात कर रहे हो, आप पढ़ना सिखाने की बात कर रहे हो, पर यस, हम वहीं खड़े हैं, हमारे सिस्टम वहीं खड़ा है, हमारे सरकारी स्कूल वहीं खड़े हैं कि सबसे पहले बच्चों को पढ़ने सिखाने की ज़रूरत है। तो जिन बच्चों के अच्छे एकेडमिक्स हैं, जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं अपने पढ़ाई में, उन बच्चों को अलग से प्रमोट कर रहे हैं, उनको पढ़ाने के अलग तरीके हैं जो रेगुलर चल रहे हैं, या और भी स्कीम्स लाएंगे उनके लिए, उनको इंकरेज करने के लिए, उनके लिए स्पोर्ट्स के लिए, थिएटर के लिए, अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के लिए स्कीम है। लेकिन जो एकदम नॉन रीडिंग लेवल पर खड़े हुए हैं, उन बच्चों को रीडिंग क्लास तक लाना, रीडिंग लेवल तक लाना, इसकी चुनौती हमने अपने आप को दी है कि हम 14 नवंबर तक दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चों को, सब बच्चों को रीडिंग लेवल तक, मिनिमम रीडिंग लेवल तक लेकर आएंगे। और इसके लिए हमने एक बाकायदा प्लान बनाया है कि 14 नवंबर तक सभी टीचर्स, सभी पूरा डिपार्टमेंट मिलके उन बच्चों के साथ मेहनत करेगा। 14 नवंबर को जैसे पहले किया था, जुलाई में असेसमेंट किया था, 14 नवंबर को फिर से टीचर्स द्वारा इंटरनल असेसमेंट होगा। 15 से 20 नवंबर तक हम फिर एक, जो हमारे SCERT के स्टूडेंट्स हैं डाइट के, उनको भेज के एक इंटरनल असेसमेंट कराएंगे, थोड़ा सा इंटरनल थोड़ा सा एक्सटर्नल हो गया वो। 20 नवंबर के बाद यानी 21 नवंबर से एक हफ्ते के लिए हम चाहेंगे कि समाज से लोग आएँ और हमारे बच्चों से इंटरेक्ट करें। वो इस इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को, सरकारी स्कूलों में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कहीं नहीं हुआ, इस ट्रांसफॉर्मेशन को खुद विटनेस करें। 21 नवंबर से हम पब्लिक के लिए करेंगे, लेकिन HOS की परमिशन से, प्रिंसिपल की परमिशन से, लोग वहाँ जाके
देख सकते हैं एसएमसी मेंबर्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, हम चाहेंगे कि बाकी लोग और कोई गेस्ट, पेरेंट्स, खुद पेरेंट्स आ सकते हैं, कोई गेस्ट भी आ सकते हैं परमिशन से एचओएस की, और जाके क्लास में लर्निंग लेवल देख सकते हैं कि कितना इम्प्रूव हुआ, अभी कहाँ खड़े हैं। इससे समाज का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे सबका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जो प्रिंसिपल्स, जो टीचर्स, जो एचओएस इस काम में लगेंगे उनके लिए सरकार एक अलग से अवार्ड स्कीम बना रही है, जो सिग्निफिकेंट जंप दिखाएंगे। आज हो सकता है कोई 20% पे खड़ा हो, वो बहुत अच्छा जंप लेके ऊपर आएगा। हो सकता है कोई 70% पे खड़ा हो। तो जो प्रिंसिपल्स बहुत सिग्निफिकेंट जंप दिखाएंगे अपने बच्चों के लर्निंग लेवल में, क्योंकि हमारे पास में बेसलाइन है, इस बेसलाइन से जो बहुत सिग्निफिकेंट जंप दिखाएंगे उनके लिए बहुत अवार्ड स्कीम स्कूल्स के लिए, हेड्स के लिए, टीचर्स के लिए हम बना रहे हैं, इंसेंटिव स्कीम बना रहे हैं स्कूल के लिए भी, जो स्कूल एज ए टीम भी इस पर काम करेगा उसके लिए भी। एक दो चीज़ें और थी, एक तो ये भी कि ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज सरकारी स्कूलों में आप देखें, और ये देश भर के बारे में मैं कह सकता हूँ कि देश भर के सरकारी स्कूलों को जानबूझ के पीछे किया गया है, पिछड़ा बनाया गया है, क्योंकि एक कहीं माइंडसेट है, यहाँ तो सब लोअर क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ तो गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, लोअर इनकम ग्रुप के, इन पर क्या मेहनत करना है, उन्हीं पे तो मेहनत करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा तो एजुकेशन की, क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत वहीं से, और उनका फाउंडेशन मजबूत नहीं करेंगे तो कैसे देश खड़ा होगा। एक और माइंडसेट चलता है कि क्रीमी लेयर के लिए देश की, देश के प्रभावशाली लोगों के लिए तो प्राइवेट स्कूल बन गए। अब गवर्नमेंट स्कूल को तो चलने दो जैसे चल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों ने अपने प्राइवेट स्कूल खुद बना लिए, नेताओं ने बना लिए, इवन पॉलिटिशियंस ने बना दिए। जिन पॉलिटिशियंस को गवर्नमेंट के स्कूल चलाने थे अच्छे करके, वो अपने प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं। तो हम इससे हटके गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं। आज देश में कहा जाता है राइट टू एजुकेशन से पहले संविधान में संशोधन करके एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 16 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से कई लाख बच्चे अपना बेसिक मिनिमम रीडिंग तक नहीं है, उनका राइट टू एजुकेशन क्या हुआ? सब जगह बड़ी राइट्स की बात हो रही है, मेरे ये राइट हैं, मेरे ये राइट हैं, एलजी साहब के ये राइट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ये राइट हैं, उन बच्चे का कोई राइट है कि नहीं है? हमारी लड़ाई अपने राइट के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई उन बच्चों के राइट्स के लिए है, हम उन पर काम कर रहे हैं। तो ये सुनिश्चित करना, और जब आप बात करो गवर्नमेंट सिस्टम में, या हम अपने यहाँ भी बात करते हैं, इतना सिलेबस है जी, इतनी बढ़िया बढ़िया टेक्स्ट बुक्स हैं, इतना कैरिकुलम है, ये कैरिकुलम मैच हो रहा है, ये टाइमलाइन है कैरिकुलम की, लेकिन अगर बच्चे को पढ़ना ही नहीं आ रहा तो किस बात का कैरिकुलम, किस बात का सिलेबस, किस बात की फैंसी टेक्स्ट बुक्स? ये सुनिश्चित करना कि हमारे स्कूलों का हर बच्चा कम से कम पढ़ना तो जाने, उसके बाद वो सीखना शुरू कर देगा, पढ़ना तो सीखे, अपनी जो टेक्स्ट बुक उसके हाथ में, जिसको हम कह रहे हैं सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसको टेक्स्ट बुक को पढ़ना तो शुरू करे। इस लेवल तक लाने की हमने अपने आप को चुनौती दी है, और ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले 1.5 साल में मैं देख रहा हूँ बहुत कठिन काम है, लेकिन हमारे सब टीचर्स ने मिलकर, हमारे डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स ने मिलकर अपने आप को इसके लिए तैयार किया है। और एक दो छोटी छोटी चीज़ें और थी जो आपके सामने मुझे रखनी थी, कि एक तो पिछले साल हमने टीचर्स डे को बहुत मेगा लेवल पर आयोजित किया था, आपको याद होगा कि मुखर्जी सर की क्लास लगी थी पिछले साल, इस साल भी मुखर्जी सर की क्लास लगेगी 5 सितंबर को गवर्नमेंट स्कूल में, और 1 घंटा वो मेरी आदरणीय राष्ट्रपति जी से बात भी हुई थी, मैं गया था उनसे बात करने इस विषय में, अभी 1 घंटा इंडियन पॉलिटिक्स के इवोल्यूशन को, इंडिया में पॉलिटिक्स के इवोल्यूशन पे चर्चा करेंगे बच्चों के साथ में, हिस्ट्री की क्लास में, इंडियन हिस्ट्री में। और साथ साथ में एक और हमारा फंक्शन होता था टीचर्स डे का, जो थोड़ा सा एनुअल फंक्शन एक रिचुअल के रूप में रहता था, कुछ टीचर्स आ गए जिनके अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, टीचर्स अवार्ड समारोह। इस बार का टीचर अवार्ड समारोह भी हम ग्रांट प्रोग्राम के रूप में कर रहे हैं, ताकि टीचर्स को ये लगे कि हमारे सम्मान में जब जिस वक्त हमको अवार्ड दिया जा रहा है तो समाज भी आके खड़ा हो रहा है, देश की डिग्निटरीज आके खड़ी हो रही हैं उनके सामने उनको सम्मानित करने के लिए। जब छत्रसाल स्टेडियम का प्रोग्राम होता था हर साल का, उसको भी अब शाम को करेंगे इस बार, और एक ग्रैंड बड़े प्रोग्राम के रूप में करेंगे वहाँ पर, वो उसको करेंगे। मेरी साथी सौम्या और सुनीता जी हैं, सुनीता जी ने जिन्होंने पूरा तैयारी की है इसके लिए, सौम्या आप कुछ कहना? हाँ, और एक प्लेज, हाँ प्लेज, जो ये चुनौती जिसके लिए मैंने कहा ना 14 नवंबर को तक हम ये टारगेट रखेंगे, इसकी शपथ टीचर्स डे पर सारे स्कूलों में टीचर्स लेंगे, प्रिंसिपल्स लेंगे,
दिन में डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स भी लेंगे, शाम को जो टीचर्स डे का प्रोग्राम होगा उस दौरान वहाँ उपस्थित सभी लोग जो हमारे डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स भी होंगे, टीचर्स प्रिंसिपल्स भी होंगे, वहाँ भी इसकी शपथ लेंगे, इसकी एक प्लेज लेंगे कि हम 14 नवंबर तक दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे को मिनिमम रीडिंग लेवल तक तो ला के खड़ा करेंगे।